चैनल विक्रम बनवाला पर आज हम आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डे 3 की वीडियो लेकर आए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होता है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए। इसका इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और इसके मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ एक्सेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं आदि शब्द आए। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आई, वी, यू, दे के साथ एस या ईएस नहीं लगता और इनके साथ डू का प्रयोग होता है। और ही, शी, इट या फिर एनी नेम के साथ एस या ईएस आता है और डज का प्रयोग होता है। इसके चार पार्ट है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जांपल है, जैसे मैं जाता हूँ, I go। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसके साथ ऐसे आई एस नहीं इसलिए नहीं लगा क्योंकि डज के साथ पहले ही ईएस आ चुका है। जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। दोस्तों गो में ऐसे आई एस इसलिए नहीं आया क्योंकि डज के साथ पहले ही ऐसे आई एस लग चुका था। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, दोस्तों इसमें डू डज आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों हम इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। इसका एग्जांपल है, जैसे क्या वह सोती है, था कि इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क भी लगाना होता है। नेगेटिव इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है डूडज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों टेंस में हमेशा नॉट थर्ड नंबर पे आता है। इसका एग्जांपल है जैसे क्या, वह, नहीं, खाती है, does she not eat। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।